नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज आपके लिए ऐसी खबर लाया हूं जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। उदयपुर में जो हुआ उसको लेकर पूरे देश में बातचीत हो रही है, लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरे मुस्लिम समाज के लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन एक खबर ऐसी है जहां पर एक दलित युवक को बम से उड़ा दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो खबर तक नहीं बनी। जी हाँ, आप समझिए कि कितना भयंकर है, कितना भयावह है, और इस सब के लिए जिम्मेदार है मीडिया। मीडिया आज भी उदयपुर में क्या हुआ, उदयपुर में निर्मम हत्या की गई जिसका कहीं से भी कोई बचाव नहीं किया जा सकता। वहां पे आरोपियों को पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, अब उन पर के कोर्ट में मुकदमा चलेगा और उनको सजा होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है जहाँ पर दलित को बम से उड़ा दिया गया, उस मामले में क्या है, उनको बम से उड़ा दिया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। जी हाँ, पूरी खबर मैं आपको पढ़ के बता दूं कि किस तरीके से और कहां पर एक दलित युवक को उड़ा दिया गया है बम से और वो खबर तक नहीं बनती। ये देखिए, यूपी, दलित किशोर की चारपाई के नीचे लगाया बम, धमाके से उड़े चीतड़े, इलाज के दौरान मौत। भारत के कई राज्यों सहित अब यूपी के कई जिलों से भी दलित उत्पीड़न और अत्याचार और उनकी हत्या की खबरें सामने आ रही है। ऐसी एक घटना लखनऊ के माल इलाके में हुई है। हरिद्वार में मजदूरी कर परिजनों का पेट पालने वाले दलित अनुसूचित जाति किशोर के घर लौटने पर देर रात उनकी चारपाई के नीचे बम लगा दिया गया। बम के धमाके से उसके चितड़े उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर घर के लोग बाहर निकले और देर रात गाँव में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मानसिकता के लोग होंगे जो जाति के नाम पे लोगों से नफरत करते हैं और उनको मार डालते हैं। लेकिन इस पर बहस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ना तो गोदी मीडिया को खाद पानी मिलेगा और ना ही सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार को खाद पानी मिलेगा ताकि उनका कारोबार चलता रहे। जो नफरत की राजनीति वो लोग करते हैं वो लगातार आगे बढ़ती रहे। चूंकि यहाँ पे जो पीड़ित है वो भी हिंदू है और जो आरोपी है वो भी हिंदू है, और जिसका जाति के नाम पर शोषण किया जाता है, जिसको बम से उड़ा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर खबरें नहीं बनेगी, इस पर कोई बात नहीं होगी। आज तमाम टीवी के एंकर लगातार उसी वहाँ की उदयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके घर वालों परिवार वालों की बाइट चला रहे हैं। यकीनन चलाना भी चाहिए लेकिन इंटेंशन सही होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिले उसके पक्ष में होना चाहिए, ना कि देश में माहौल खराब करने के लिए आप इस तरीके की खबरें चलाएं। लेकिन ये जो खबर है इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये देखिए क्या है पूरा मामला, वो बता दूं। यूपी में लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र मार इलाके के गोपरामऊ पंचायत के रनिया मऊ में दलित किसान मेवालाल रावत, 38 साल जिनकी उम्र थी, अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। मेवालाल के परिवार में तीन छोटे बच्चे, एक बेटा शिव कुमार रावत जो 18 साल का है। मेवालाल का शरीर कमजोर होने के कारण वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। उनका बड़ा बेटा हरिद्वार में लगभग 1.5 साल से मजदूरी कर पूरे परिवार का पेट पाल रहा था। 22 जून को दोपहर 12 बजे शिव कुमार हरिद्वार से लौटा था। देर रात खाना खाने के लिए उसने घर के बाहर ही चारपाई लगा ली और सो रहा था। पिता मेवालाल ने बताया, रात लगभग 12:55 पर तेज धमाके की आवाज़ ने नींद खोल दी। मैंने जब घर के बाहर आकर देखा तो पूरे इलाके में धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, छप्पर सुलग रहा था। मैं घर के बाहर चारपाई पर सोए बेटे को उस धुएं में ही ढूंढने लगा। मेरा बेटा खून से सना हुआ चारपाई से 10 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ था। हम उसे माल सीए चिले गए, डॉक्टरों ने उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ ले जाने के लिए कहा। इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये देखिए, इसके अलावा जो जहां पर घटना स्थल था वहां पर घटना स्थल पर बम धमाके के बाद सटीक के टुकड़े, बजरी, बारूद और घड़ी के सेल पड़े हुए थे, जबकि पुलिस का कहना था ये मामूली सुतली बम था। आप अंदाजा लगाइए जो नफरत थी वो कितनी गहरी थी, कितनी प्लानिंग के साथ बम बनाकर उसको उड़ा दिया गया। पहले कहा गया था पुलिस के जरिए कि वो एक सुतली बम है, साधारण सी घटना थी, लेकिन वो जानबूझकर जातिवादी मनुवादियों ने उस दलित युवक को उड़ा दिया। ये देखिए क्या था मामला, वो समझिए। मेमालाल रावत ने बताया कि उनके गांव के ही ठाकुर जाति के तेज बहादुर सिंह और दीपू सिंह से विवाद चल रहा था। तेज बहादुर सिंह ने गांव के अर्जुन सिंह से जमीन खरीदी थी लेकिन चेक बाउंस होने के कारण दाखिल खारिज पर रोक लग गई। मेवालाल अर्जुन सिंह के घर चौकीदारी करता है जिसके कारण तेज बहादुर सिंह को समस्या हो रही थी। अब बताइए,
दो लोग आपस में जिनकी रंजिश थी, अब जो मेवा लाल थे वो किसी दूसरे पक्ष के यहाँ पर चौकीदारी कर रहे थे, इसलिए उनको मेवा लाल से दिक्कत थी। ये देखिए, घटना के 5 दिन बाद ही पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सबसे बड़ा सवाल, 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। घटना 22-23 की रात की है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। घटना के 5 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में थानेदार का कहना है कि टीम बनाकर लगातार दबिश दी जा रही है। भैया आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं जो 5 दिन हो गए हैं लेकिन उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको थाने तक नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे हालात है। एक तरफ उदयपुर में जो हुआ उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब मनुवादी जातिवादी लोग एक दलित पिछड़े की हत्या करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सारा खेल जातिवाद का है, क्योंकि जो थाने में बैठे हैं वो भी जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। ये देखिए क्या बोले जिम्मेदारी इस मामले में। थाना प्रभारी निरीक्षक जय बहादुर राय ने बताया कि घटना स्थल से कुछ स्टील के टुकड़े बरामद किए गए हैं, उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी मलिहाबाद कर रहे हैं। इस मामले में क्षेत्र अधिकारी मलिहाबाद योगेंद्र सिंह ने बताया, मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल मंत्री कौशल किशोर भी आए थे, आज पीड़ित परिवार भी मेरे पास आया था। पूरे मामले में आरोपियों के गिरफ्तारी पर सवाल पूछने पर क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा, अच्छा काम करने में समय लगता है, कोई वैसा काम होता तो ऐसे ही कर दिया जाता। आप समझिए कि ये किस तरफ इशारा है। अगर कोई वैसा काम होता तो एकदम कर दिया जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो आरोपी है वो जातिवादी मनुवादी लोग हैं और वो रसूखदार लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने से ये लोग डरते हैं। तो ये खबर थी कि किस तरीके से एक दलित युवक को बम लगाकर उड़ा दिया गया, सिर्फ इस मानसिकता के चलते क्योंकि वो दलित था। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो उदयपुर में हिंदू के लिए रोना रो रहे हैं, वो यूपी में एक ऐसी युवक को बम से उड़ा दिया जाता है उस पर इनकी आवाज़ तक नहीं निकलती। तो ये पूरा मामला था। एक तरफ उदयपुर है, एक तरफ लखनऊ है, दोनों खबर को कंपेयर कीजिए और दोनों तरफ में जो कार्रवाई हुई है उसको कंपेयर कीजिए और फिर देखिए कि असल में जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है। दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, दोनों तरफ आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए था। दोनों जो मरे हैं, जो जिन लोगों की हत्या हुई है, दोनों लोगों की जान की कीमत है और उनका परिवार है, लेकिन एक तरफ तुरंत पकड़कर उनकी कार्रवाई हो जाती है, दूसरी तरफ कोई आरोपी अभी तक पकड़ में नहीं आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।